हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। दोस्तों, बहुत बड़ा अपडेट है JSSC की तरफ से। JSSC CGL यानी कि जो छात्र काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे हैं एडमिट कार्ड को लेके, JSSC ने एक नोटिस जारी किया दोस्तों। लेकिन थोड़ा सा एक बुरी खबर कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि एडमिट कार्ड सभी के लिए डाउनलोड नहीं किया जा सकता 28 तारीख वाला। देखते हैं क्या है अपडेट में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और JSSC CGL का तैयारी कर रहे हैं ये चैनल, जितने भी वीडियो भी डाल रहा है जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, रामबाण साबित हो सकता है ठीक है एग्जाम हॉल में। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इसीलिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है और यूट्यूब चैनल पर जुड़ना है। देख लेते हैं आज का क्या है अपडेट ठीक है। देखिए 19 तारीख का डेट आप लोग देख सकते हैं। आप लोग काफ़ी लोग परेशान थे कि पता नहीं कब आएगा नहीं आएगा। अभी जस्ट ही कुछ देर पहले वीडियो बनाया था, उसमें नहीं आया था, उसमें बताया थे कि देखिए कब आता है, जैसा भी आएगा हम बता देंगे आपको। तो देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ झारखंड सम्मान स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन दिनांक 28 तारीख और 4 तारीख। अभी भी छात्र को कन्फ्यूजन है कि एग्जाम होगा नहीं। भैया आप तो कन्फर्म मान कीजिए, आप कन्फर्म भाई साहब, अब एग्जाम एडमिट कार्ड का डेट दे दिया, इसका मतलब एग्जाम आप कोई नहीं रोक सकता इसको ठीक है। राज्य को विभिन्न जिलों में अवस्थित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। 28 तारीख को जो एग्जाम होने वाला दोस्तों आपको, उसका एडमिट कार्ड दोस्तों 21 तारीख को आएगा, यानी कि संडे को मतलब शाम तक ही एडमिट कार्ड ओपन लिंक होता है, पता ही है JSSC टाइमली कुछ होता नहीं है। शाम तक इसका आप डाउनलोड कर सकिएगा, 12 बजे बाद ही कर पाइएगा, ये बात आप मान लीजिए ठीक है। तो जिनका एग्जाम 28 तारीख को होगा, 21 तारीख को ट्राई कर लीजिएगा एडमिट कार्ड में। यदि आपका एग्जाम 28 तारीख को होगा तो आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, और नहीं फिर 4 तारीख को होगा आपका एग्जाम, तो फिर आप एडमिट कार्ड 28 तारीख को डाउनलोड कर सकते हैं। ये थोड़ा सा दिक्कत है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान थे कि यदि डेट दे देगा चाहे तो उस हिसाब से टिकट कटवा लेगा छात्र जो दूर के रहते हैं ठीक है, उसके लिए परेशानी थोड़ा सा बढ़ गया। अब चलिए जो भी है दोस्तों, अब जो दूर रहते हैं तो आप तत्काल टिकट के भरोसे बैठिए और कुछ नहीं कर सकते हैं, या फिर 28 तारीख तक इंतजार कर लीजिए ठीक है। बाकी जिनका एग्जाम 28 तारीख होगा, 21 से तत्काल काटना शुरू कर दीजिएगा, 21 को काटिएगा, 22 को 23 को जब भी है। लेकिन याद रखिएगा, नॉर्थ इंडिया में कहीं भी रह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कुहासा, तो थोड़ा हिसाब से लीजिएगा। मत सोचिएगा कि ट्रेन का टाइमिंग 22 घंटा का है तो 24 घंटा पहले टिकट कटवा लेंगे चले जाएंगे, नहीं, रिक थोड़ा सा गैप लीजिएगा ठीक है। क्यों पता है कुहासा में ट्रेनें काफ़ी लेट हो रहे हैं ठीक है, 8-8 घंटा, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा लेट हो रहा है। तो एक दिन पहले आप ट्राई कीजिएगा, ऐसा नहीं कि आपका एग्जाम 28 तारीख को, आप 27 को शाम को कटवाइएगा फिर दिक्कत हो जाएगा ठीक है, नहीं पहुँच पाइएगा। इसलिए एक दिन को एक्स्ट्रा लेकर चलना है, पता चला कि समय पर पहुँच नहीं पाए, आपका तैयारी कर चला गया बाढ़ में सब ठीक है दोस्तों। तो ये JSSC की तरफ से अपडेट आया हुआ है ठीक है। तो कहने का मतलब दोस्तों, जिनका एग्जाम 28 तारीख को है उसका एडमिट कार्ड 21 तारीख को आएगा, जिनका एग्जाम 4 तारीख को होने वाला है उसका एग्जाम 28 तारीख को डाउनलोड होगा ठीक है। और दूर दराज वाले को यही बोलना चाहेंगे कि फिर से बोल दे रहे एक बार कि टाइमिंग जो टिकट ट्रेन करवाइएगा वो पहले करवा रखिएगा, तत्काल काटिएगा, ये नहीं कि 28 को एग्जाम में 27 का नहीं, आपको 25 को ट्राई कीजिए, 25 को कटवाइए, 26 तक पहुँच जाइए, 27 पहुँचने रिक्स मत लीजिएगा ठीक है। हाँ, 27 को कोई ट्रेन पहुँचा रहा है सुबह सुबह तो कोई दिक्कत नहीं है, शाम वाला मत रिक्स लीजिए, क्योंकि लेट चल रहा है ट्रेन, काफ़ी ज़्यादा लेट चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा कुहासा भी हो रहा है, इस वजह से आपका ट्रेन छूट भी सकता है ठीक है। नहीं हो तो फिर भाई फ्लाइट का कर लीजिए, लेकिन छोड़िएगा नहीं एग्जाम ठीक है, क्योंकि देखिएगा ना, अभी देख रहे हैं ट्रेन का तो काफ़ी लेट चल रहा है, खास करके नॉर्थ इंडिया जितना भी ट्रेन रूट चल रहा है उधर ठीक है, साउथ इंडिया की दिक्कत नहीं है, उधर कोई दिक्कत नहीं ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अपडेट आ गया एडमिट कार्ड ला, देख लीजिएगा आप लोग, कल तक इंतजार कर लीजिए, परसों आपका एडमिट कार्ड आ रहा है ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपको अच्छा लग रहा होगा तो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।